पुरानी परंपराओं में से एक पूजा ऐसी भी है जिसे नरसिंहपुर जिले के नगर साईखेड़ा में मनाया जाता रहा है। पुरानी परंपरा के अनुसार सालों से इस पूजा को विधि विधान के साथ संपन्न किया जाता है। अब आपको बता रहे हैं दीपावली के बाद दूसरे दिन की जाने वाली पूजा की, जिसे गोवर्धन पूजा कहते हैं। जानकारी के मुताबिक जो गाय जन्ने के बाद लगती नहीं है उस गाय को यहां से आराम मिलता है। मवेशियों की तबीयत खराब रहती है तो स्थान पर आने से यहां पर आराम मिलता है। इसे खीर का गोवर्धन पूजा कहा जाता है। इस स्थान पर आने से लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं और आराम मिलता है। वर्षों पुरानी परंपरा एक बार फिर साईखेड़ा में पूरी होती देखी गई। कौन सी पूजा है ये, किससे क्या? गोवर्धन की पूजा है। तो इससे क्या क्या होता है, क्या लाभ होता है? इससे लाभ ये होता है गऊओं को, जो मतलब लगती नहीं है वो लगती है, गन्या गऊओं ग्वार लगा तो हो जा रहे। अच्छा अच्छा, लगभग यानी कितने साल पुरानी परंपरा है? कई पीढ़ियां हो चुके हैं। अब यहाँ के बाद कहाँ जाना पड़े? यहाँ के बाद पटेल के बाद जाना पड़े विनिलय के यहाँ, इसके बाद खिरका बांधी का। क्या इसका स्थान है, क्या मेन स्थान है? क्या मेन स्थान है? ग्रेसिम उद्योग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिस दिवाली लेट्स सपोर्ट मेक इन इंडिया। नागदा लेंसेस उद्योग की ओर से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।